हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। यह है इंग्लिश का वह प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज के साथ में कंपेयर करवाए जा रहे हैं। इसमें आपको इस प्रकार की लैंग्वेज का यहाँ पर समावेश रखा गया है जिससे कि हर एक कंटेंट की वो लैंग्वेज समझ में आ जाए। हम लोग यहाँ इजी टू हार्ड की तरफ जाते हैं और हमने इसी लेवल को आधार मानकर आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवाया है। सबसे पहले वो कंटेंट जो हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच पाए। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात ये करेंगे पॉजिटिव वर्ब होती क्या है। देखिए, पॉजिटिव का मीन होता है करणात्मक और वर्ब का मीन होता है क्रिया। कि आखिर हम पॉजिटिव जो वर्ब है किस प्रकार की वर्ब को पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप लोगों ने जब भी हम लोग ये इंग्लिश के कोई सेंटेंस देखते हैं तो उनमें हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि जैसे मान लीजिए हंसना को इंग्लिश में लाफ कहते हैं लेकिन हंसाना को क्या कह देंगे। ठीक है, पीटना को बीट कहते हैं तो पिटवाना को क्या कह देंगे। तो ऐसे कंडीशन के ऊपर हमारे सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या आती है और इस समस्या का समाधान हम यहां पर पॉजिटिव वर्ब के माध्यम से आपको सॉल्व आउट करवाएंगे। आज हम यहां पर जो पॉजिटिव वर्ब पढ़ने वाले हैं वो पॉजिटिव वर्ब आपकी पहली पॉजिटिव वर्ब रहेगी मेक और सेकेंड आपकी पॉजिटिव वर्ब रहेगी गेट। ठीक है, अक्षर तैयार। हम लोग आज यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो मेक और गेट पॉजिटिव वर्ब है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे सेंटेंस का सामना आपसे हो जाता है जिसमें आप लोग वर्ब को ढूंढने की कोशिश करते हो लेकिन वैसी वर्ब आपको नहीं मिलती। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, हंसना को आप कहते हैं लाफ। हंसना को क्या कहते हैं हम लोग? लाफ। लेकिन मैं ये कह दूं कि वही बात आपको ये कहते हो आप लोग इसमें हंसना, लेकिन मैंने ये कह दिया हंसाना, तो वहां पर साहब इसकी जो मीनिंग है वो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोगों ने यहां पर दो पॉजिटिव वर्ब ली है। एक लिया है मेक और दूसरा लिया है यहां पर गेट। ठीक है, तो आओ हम इन सभी जो यहां पर दी हुई पॉजिटिव वर्ब है इनका बेस्ट बेस्ट जो है कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, मेक पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। देखिए, इस मेक पॉजिटिव वर्ब में क्या है, यहां पर मैंने दो व्यक्तियों का जिक्र किया। यहां पर दो व्यक्तियों का मैंने जिक्र किया। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्तियों का मैंने जिक्र किया और इसमें 100% ये जो मैक जिस सेंटेंस को कवर करेगा उस सेंटेंस में यहां दो व्यक्तियों का जिक्र होगा। ये व्यक्ति इससे बोलता है, क्या बोलता है, कि मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखिए, इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि एक तो मैं है और एक तुम हो, यानी दो ही कैंडिडेट्स हैं। यहां पर भी जब मेक का सेंटेंस होगा तो उसमें केवल और केवल दो व्यक्तियों का यहां पर जिक्र किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहां से हम लोग समझते हैं कि यहां पर भी मैंने कुछ व्यक्तियों के यहां पर फॉलो किया। देखिए, समझना, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा मैं तुम्हें पिटवा दूंगा या पिटवाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। अब देखिए, यहां पर मैं तुम्हें पिटवा दूंगा तो यहां से वब से पता चल रहा है कि यहां पर पीटने वाला कोई नहीं है। ये व्यक्ति इसे बोल रहा है मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। ये व्यक्ति इसे बोल रहा है, लेकिन अब ये व्यक्ति इसको पिटवाएगा वो किसके माध्यम से, इस व्यक्ति के माध्यम से यहां पर पिटवाएगा। तो कहने का मतलब ये गेट में तो यहां पर जो कितने व्यक्तियों का जिक्र किया जाएगा, थ्री व्यक्ति जो यहां पर होंगे। इस गेट फॉर्म में कितने व्यक्तियों का जिक्र होगा, यहां पर
तीन व्यक्तियों का, जो एक अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन सेंटेंस में है। देखिए अपन लोग गौर करते हैं, मैंने किसी को कहा मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, तो कहने का मतलब मैं और तुम, लेकिन पीटने वाला तो कोई दूसरा था ना, यानी मैं किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तुम्हें पिटवा दूंगा, कहने का मतलब यहां पर काम करने वाला पीटने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था। यहां पर कितने व्यक्ति होंगे आपके, तीन, और यहां पर व्यक्ति की संख्या कितनी होती है, टू। अब हम इसी फॉर्म को समझेंगे कि वास्तव में जब टू व्यक्ति होते हैं तब हम मैं को किस प्रकार से काम लेते हैं, और जब थ्री व्यक्ति होंगे तो हम यहां पर जो गेट पॉजिटिव वर्ब है उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे। हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आप लोग ये चीज जरूर समझना कि यहां मैं के लिए केवल 2% और गेट के लिए यहां पर 3% होंगे, जो ये बोलेगा इसको कि मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, लेकिन ये पिटवाएगा किसके माध्यम से, इस व्यक्ति के माध्यम से। तो ये पीटने वाला, ये उसको पिटवाने वाला, और जिसकी पिटाई हो रही है वो, तो व्यक्ति की संख्या कितनी हुई, तीन। लेकिन यहां पर देखिए मैं तुम्हें समझाता हूं या मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है कि नहीं। यहां पर देखिए बेटा ये और ये, समझाने वाले समझने वाले, एक तो समझाने वाला और एक समझने वाला, यहां दो ही व्यक्ति होंगे, तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। ये था अपना सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, इसके बारे में समझना जरूरी है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे यहां पर मैं पॉजिटिव वर्ब। देखिए भाई मैक कोजेटिव वर्ब क्या है, समझना इसको ध्यान से। इसका मैं स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूं अभी, ठीक है। मैक कोजेटिव जो वर्ब है, मैक जो आपकी कोजेटिव वर्ब है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहां पर बनेगा सब्जेक्ट प्लस आने वाले कोई भी एचवी प्लस मैक प्लस उसके बाद में यहां आपके आएगा प्रसन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो भी है यहां पर संलग्न होगा। यहां पर ध्यान दें, अब कई बार हो सकता है सेंटेंस में एचवी नहीं हो, तो एस और एस लग जाएगा इसमें, वी टू बन जाएगी, एचवी नहीं होगी तो, नहीं तो एचवी है तो एचवी होगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने इसके लिए यहां पर एक सेंटेंस लिया, समझना जरूरी है कि वो सेंटेंस मेक फॉर्म का है या नहीं। मैंने यहां पर लिया मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो यहां पर देखिए ता ती ते प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होगा, तो देखिए आई, फिर उसके बाद में एच यू यहां पर नहीं आती है तो हम मेक फॉर्म को लगाएंगे, तो वी वन दे देंगे क्योंकि प्लूरल हो गया, तो मेक वी वन, उसके बाद में यू, आई मेक यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझाना अंडरस्टैंड, ये आपकी यहां पर इसकी इंग्लिश बन गई। अब एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो हो सकता है या इस वर्ब के बारे में पूछ ले, या हो सकता है ये मैक जो वर्ब आ रही उसके बारे में आपसे पूछ ले। दूसरा है मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो इसके लिए देखिए अब ये सेंटेंस किसका हो गया, फ्यूचर का, तो फ्यूचर वाली एच यहां पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आई विल एचवी, फिर इसके बाद में एचवी के विल के साथ आता है वी वन मैक, फिर उसके बाद में यू, फिर उसके बाद में यहां पर पर्सन हो गया, पर्सन के बाद में यहां पर वी वन आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट एचवी मैक फॉर्म लगाना है, पर्सन वी वन और ऑब्जेक्ट इसी फॉर्म में। आप लोगों को पहले सेंटेंस में ये देख लेना कि वास्तव में उस सेंटेंस में कितने व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, व्यक्तियों की संख्या यदि टू होती है तो आप वहां पर अनडाउटेडली मेक वर्ब जो है वहां पर काम में ले। इस तरीके से आप लोग, अब जैसे कई बार है मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हें समझाया, अब देखिए यहां पर यह क्या है, वी टू बनने वाला है, अब वी टू बनेगा क्या हो जाएगा, आई made you understand, ठीक है, आई मेड यू अंडरस्टैंड, कहने का मतलब ये देखिए आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर एचवी रख दो और मेक की फॉर्म इस एचवी के अकॉर्डिंग मेक वाली फॉर्म आपको रख दो। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ये चीज है जो आपके टेंस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग चेंज करते जाए, लेकिन फॉर्मेट आप यही रखें, मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ,
मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपने सेंटेंस को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, जो आपके सामने इस तरीके से रखा हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में पूछिए। उसके बाद में देखते हैं हम लोग यहां पर गेट। आई होप, मैं से ऐसा करता हूं कि आपको मेक फॉर्म जो है वो कंप्लीट समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने। अब यहां पर गेट जो है पॉजिटिव वर्ब वो है, उसका जो सेंटेंस है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए गेट पॉजिटिव वर्ब, गेट पॉजिटिव वर्ब मैंने समझा दिया है आपको कि यहां पर जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो डेफिनेटली कितनी होगी, तीन व्यक्तियों की संख्या होगी। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, एच वी बनेगी, यहां पर आपको गेट देना होगा, उसके बाद में आपको पर्सन देना है, उसके बाद में वी थर्ड देना है, और उसके बाद में अदर वर्ड आपको देना है। देखिए सेंटेंस को समझना, यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझना, सब्जेक्ट देना है, उसके बाद एच वी, उसके बाद में गेट, उसके बाद में पर्सन, उसके बाद में वी थर्ड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए कि आप लोग जब भी क्वेश्चन को देखें आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है वो तुरंत माइंड में कवर हो जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि गेट ही होना चाहिए। ठीक है, मेक के साथ ये स्ट्रक्चर यदि फॉलो करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वी थर्ड है। ठीक है, चलो देखिए हम लोग इसकी बात करते हैं, और ये अक्सर तो ये चीज पैसे में आएगी क्योंकि काम करने वाला यहाँ नहीं होगा, ये काम करने वाला नहीं है, तभी तो हमने इसको वी थर्ड में दिया ना, तभी तो हमने इसको क्या दिया, वी थर्ड में दिया, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव का होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से मैंने अभी बताया था आपको, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आई, देखिए व्यक्तियों की संख्या कितनी, मैं तुम और पीटने वाला तीन, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, कोई पीटने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा, तो मैं तुम और पीटने वाला, यानी व्यक्ति कितने हो गए यहां पर तीन, और जहां पर व्यक्तियों की संख्या तीन हो जाती है वहां पर आप कौन सी पॉजिटिव वर्ब काम में लेंगे, गेट पॉजिटिव वर्ब आपको काम में लेनी है। तो यहां हो जाएगा आई और पिटवाता हूं, प्रेजेंट टेंस है, फिर उसके बाद में आ जाएगा यहां पर गेट, आई गेट यू, फिर उसके बाद में देखिए पर्सन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन, ठीक है, और यहां अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो आई गेट यू बिटन, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। इस तरीके से आप लोग अनेक प्रकार की जो आपके सेंटेंस है जिसमें व्यक्तियों की संख्या तीन बनती हो, और यहां पर आपको टेंस देखना है, यदि मैं आपको पिटवा दूंगा, मैं आपको पिटवाऊंगा, तो यहां पर वो फ्यूचर का चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट यू बिटन, ठीक है, पिटवाता हूं, या मैंने तुम्हें पिटवाया, तो क्या हो जाएगा, आई वी टू आ जाएगा, सॉरी यहां पर वी टू आ जाएगा, गॉट यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप अपने हर एक सेंटेंस को जो पॉजिटिव वर्ब मेक और गेट आपको दे रखी है, इससे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो, यदि इस तरीके से एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनकर के आता है। ये थी आपकी मेक और गेट पॉजिटिव वर्ब, जो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको इसको समझाया है। आप लोग इसे एक्सरसाइज में लोगे तो और भी डेफिनेटली ये चीज आपके समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद जय भारत।